नमस्कार, मैं हूं रेशम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया पैरल। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द डीएनपी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर लें। और इस वीडियो को और हमारे चैनल की बाकी सारी वीडियोस, लाइक ऑल द वीडियोस दैट यू लाइक एंड ऑल्सो लव, उन्हें भी प्लीज शेयर करें। थैंक यू। सो गोवा में हाल ही में एक समुद्र तट पर दो नाबालिग लड़कियों के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विधानसभा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के बयान पर बवाल मच गया है। जी हाँ, जहाँ प्रमोद सावंत ने विधानसभा में कहा था कि माता पिता को ये रियलाइज करने की जरूरत है कि उनके बच्चे पूरी रात बीच पर क्यों रहते हैं, जहाँ इस बयान को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया और इसे शर्मनाक बताया गया है। जब मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में चर्चा के दौरान कहा है कि जब 14 साल के बच्चे पूरी रात रात समुद्र तट पर रहते हैं तो माता पिता को आत्ममंथन करने की जरूरत है। जी हाँ, ये सिर्फ इसीलिए ही सरकार और पुलिस पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते क्योंकि बच्चे उनकी सुनते नहीं हैं। जब गृह विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सावंत ने कहा है कि अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना माता पिता की जिम्मेदारी है और उन्हें अपने बच्चे खासतौर पर नाबालिग को रात बाहर नहीं रहने देना चाहिए। जहां कांग्रेस के गोवा इकाई के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा है कि जो तट के राज्य में कानून एवं व्यवस्था है उसकी स्थिति बिगड़ रही है, रात में बाहर घूमते हुए हमें क्यों डरना चाहिए, अपराधियों को जेल में होना चाहिए और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को बाहर आजादी से घूमना चाहिए। वहीं गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विधायक विजय सरदेसाई ने कहा है कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। नागरिकों की सुरक्षा पुलिस तथा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और अगर वे हमें सुरक्षा नहीं दे सकते तो मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। तो अगर अब हम इस घटना की बात करें एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड, तो मैं आपको बता दूं कि रविवार को गोवा की राजधानी से करीब 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर मिलेनियम बीच पर चार लोगों ने अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर दो लड़कियों से कथित तौर पर बलात्कार किया। उन्होंने लड़कों की, जो उनके साथ लड़के थे, उनकी पिटाई भी की और चारों आरोपियों में से एक सरकारी कर्मचारी भी था। यस, प्लीज कीप अ नोट ऑन दैट। जसावन ने विधानसभा में बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार अब कर लिया गया है। वेल, दीज स्टेटमेंट्स कमिंग फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर इटसेल्फ, मतलब बिना सोचे बिना समझे अपनी गलती और एक्चुअली समवेयर और दी अदर सिस्टम में जो फॉल्ट्स हैं उन सबको छुपाने के लिए ये सब कहना, मतलब कुछ भी, इज इट जस्टिफाइड? आप अपने कपड़ों से नहीं अपने सोच से मॉडर्न बनते हो एंड ब्लेमिंग दी पेरेंट्स ऑन दिस, इज इट रियली राइट? व्हाट डू यू थिंक? सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डीएनपी इंडिया। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग योर लव एंड कीप वॉचिंग डीएनपी इंडिया।